न्यासा देवगन अपने पापा की वो परी है जिसका अजय देवगन ने हर सपना पूरा किया है, क्योंकि वो तो बस अपनी बेटी की खुशियां चाहते हैं और कभी किसी की बातों में ना आकर हमेशा न्यासा को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि अभी गोविंदा अजय के समधी बने भी नहीं है कि अपने होने वाले समधी के कहने पर अजय देवगन ने अपनी बेटी न्यासा देवगन का एक्टिंग से नाता छुड़वा दिया है और उनके हीरोइन बनने के अरमान तोड़ दिए हैं। पर वो क्यों और किस लिए, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पर पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्टर अजय देवगन की खूबसूरत बेटी न्यासा देवगन गोविंदा के घर की बहू बनने वाली है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से न्यासा देवगन और यशवर्धन आहूजा के प्यार के चर्चे हो रहे हैं। इसीलिए दोनों की फैमिली मंजूरी से इनका भी रिश्ता पक्का होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अभी रिश्ता पक्का हुआ भी नहीं कि अजय देवगन अपने होने वाले समधी गोविंदा की सारी शर्तें मानकर अपनी बेटी के सपनों को तोड़ रहे हैं। जी हाँ, अपनी लाडली बेटी न्यासा देवगन का हर एक सपना साकार करने वाले अभिनेता अजय देवगन ने अपने होने वाले समधी गोविंदा के कहने पर न्यासा का एक्टिंग से नाता छुड़वा दिया है। हालांकि न्यासा ने तो कभी एक्टिंग में कदम रखा भी नहीं था, लेकिन वो एक हीरोइन बनना चाहती है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करने के साथ साथ भाग दौड़ करती हुई मॉडलिंग में हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है और अलग अलग फील्ड में ऑडिशंस दे रही है। मगर अब न्यासा की ये मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि अपने प्यार को पाने के लिए न्यासा को खुद से समझौता करना पड़ रहा है और वो अपने पिता के कहने पर एक्टिंग से नाता छोड़ रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अजय अपनी बेटी न्यासा की एक्टिंग से नाता छुड़वा रहे हैं, क्योंकि गोविंदा अपनी होने वाली बहू को एक्टिंग में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शादी करके न्यासा अपने घर गृहस्थी संभाले और कभी लाइमलाइट का हिस्सा ना बने, ताकि हमेशा गोविंदा की इमेज अच्छी बनी रहे और लोगों को ये ना लगे कि वो अपनी बहू से काम करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोविंदा ने बॉलीवुड की दुनिया अच्छे से देखी है। वहीं अजय देवगन अपने समधी गोविंदा की ये बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनकी बेटी को पराए घर में जाना है, इसलिए उसे अपनी ससुराल की तरह ही ढलना होगा, जैसे हर लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में ढलती है। तो दोस्तों, क्या समधी गोविंदा के लिए अजय अपनी बेटी के सपनों से आगे भी समझौता करेंगे? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।